रहा हूँ, इतनी नहीं आप। तो चलिए कुछ सक्षम आपको नमन क्लेचर में कोई प्रॉब्लम बोलिए। सर ओके, तो दो तीन नॉमन क्लेचर देता हूँ फिर मैं स्टार्ट करता हूँ जहाँ वो किया था हम लोगों ने, ठीक है। तो चलिए नॉमन क्लेचर करना आप लोग IUPAC। ये सवाल हो जाएगा। पहले का नाम क्या है सर? 4-bromo-3-methyl-pent-2-ene।
फोर ब्रोमो थ्री मिथाइल पेंटोइन, वेरी गुड. दूसरे वाले का फोर ब्रोमो थ्री मिथाइल ब्यूटोइन. गलत है. थर्ड वाले का सर वन ब्रोमो टू आयोडो साइक्लोब्यूटीन. वेरी गुड. फोर्थ वाला सर फोर्थ वाला शायद यह है वन क्लोरोमिथाइल टू कोमा टू डायमिथाइल साइक्लोपेंटेन. लोएस्ट लोक एंड रूल नंबरिंग, जहां दो सब्स्टिट्यूएंट है उसको ज्यादा देंगे सर, पर उसमें क्लोरो है तो शायद उसको नहीं. सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है ना उधर तो सर 1.1 डायमिथाइल टू क्लोरो नहीं टू क्लोरोमिथाइल 1.1 डायमिथाइल साइक्लोपेंटेन. वेरी साइक्लोपेंटेन है ना. हाँ वेरी गुड. एक्सक्यूज मी सर. यस सर एक बार थर्ड वाला समझा दीजिए. पहला हो गया ये सर. फर्स्ट सेकंड हो गए हैं. मैं सेकंड वाले का नाम बता दीजिए आप. थर्ड वाला मैं अभी बता रहा हूँ. चलिए पहले वाले का नॉमेनक्लेचर आप लोगों ने क्या किया. यहाँ से क्या होगा 1 2 3 4 5 yes. यही हुआ है ना दिव्यम. yes, sir. हाँ तो यहाँ पे आ जाएगा 4 ब्रोमो उसके बाद 3 मिथाइल और पेंट टू इन. ठीक है सही है दिव्यम. yes, sir. यहाँ से नंबरिंग यहाँ से करने से अच्छा है आप यहाँ से करिए. इससे क्या होगा एक सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा और दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड मिल जाएगा. ठीक है इधर से करिएगा तो दो दूसरे नंबर पे ही डबल बॉन्ड मिलेगा विदाउट सब्स्टिट्यूएंट. तो बेटर है कि नीचे से करें तो 1 2 3 4 हो जाएगा ये और इसका नाम क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन. ठीक है यस सर. तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन हो जाएगा. ठीक है अब देख लीजिए यहाँ पे इसकी नाम नंबरिंग या तो यहाँ से करना है या फिर यहाँ से. तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे क्योंकि डबल बॉन्ड क्या हो रहा है सेम जगह पे आ रहा है 1 2 तो इसका हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 आयोडो साइक्लो ब्यूट ब्यूटीन या ब्यूट 1 इन. ठीक है दिव्यम इसका क्या होगा 1 ब्रोमो 2 आयोडो साइक्लो ब्यूटीन. क्लियर है. यस सर. अब यहाँ पे बात करते हैं तो इधर से नंबरिंग कर सकते हैं या फिर यहाँ से. तो जहां ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो वहीं से नंबरिंग करिए 1 और 2. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी होना चाहिए. तो ये क्या आ जाएगा 2 क्लोरोमिथाइल और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.1 डाइमिथाइल साइक्लो पेंटेन. क्लियर है. चलिए बहुत अच्छी बात है आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो देखिए हम लोग. हाँ एक डाउट था जी बोलिए सर. जैसे वो बेंजीन रिंग में सिर्फ कभी कभार एक बॉन्ड देता है तो सर एक डबल बॉन्ड देता है तो बेंजीन रिंग में एक डबल बॉन्ड वो तो साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा ना. मतलब इस तरीके की बात कर रहे हैं हम. यस सर यस सर. ये साइक्लोहेक्सीन है ये बेंजीन नहीं है तो सर. पर फिर अगर एक ही देंगे तो ऐसे सबके कंप्लीट नहीं हो पाएंगे कार्बन. ये एरोमेटिक कंपाउंड है ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है. क्या मतलब हुआ? मतलब यही हुआ जब आपने जीओसी पढ़ा था क्लास 11th में 4n+2π रूल हकल रूल याद है कुछ या फिर नहीं पढ़ा है? सर पढ़ा था हकल रूल पढ़ा होगा. साइक्लिक होना चाहिए प्लेनर होना चाहिए ये सारी चीजें.
देखिए अगर 11th का अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जैसे जैसे वो टॉपिक्स आएंगे ना तो मैं पूरा 11th का भी कवर करते जाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अभी आपका पेपर है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि 12-13 को पेपर है ना आपका आफ्टर 12। सर मेरा 6 से है। 6 से शुरू है तो आपका तो बस दिव्यम यही बचा है ना। यस सर, एक यही चैप्टर है। यस ठीक है ठीक। तो देखिए यहाँ पे सक्षम, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका साइक्लोहेक्सीन बेंजीन, ये होता है C6H6, ठीक है। अगर इसमें दो डबल बॉन्ड दे रखा है तो भी ये आपका बेंजीन नहीं बनेगा, समझ रहे हैं आप? ओके सर। तो आप सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे उसमें फिर कार्बन की वो कैसे पूरे होते हैं सारे? अच्छा ये अगर ऐसे दे रखा है तो यस सर। देखिए अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो हाइड्रोजन है भाई, ठीक है। यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी पूरा नहीं होगा, यहाँ पे भी जब इस एंगल से अगर आप इसमें देख रहे हैं तो एक कार्बन जो है बेसिकली वो यहाँ पे कितना बॉन्ड बना रहा है, एक इधर एक इधर एक इधर, तीन ही बॉन्ड बना रहा है ना। बचा हुआ हाइड्रोजन होता है जिसे हम शो नहीं करते हैं। यहाँ पे अगर मैं इस सी, हाँ वेरी गुड, डबल बॉन्ड मैं लिख ही देता हूँ, सी और फिर सी और फिर सी। अब यहाँ पे कितना है, तीन बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन, यहाँ तीन बॉन्ड है तो हाइड्रोजन, यहाँ दो बॉन्ड है तो दो हाइड्रोजन, यहाँ दो हाइड्रोजन, यहाँ दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, समझ में आया? अगर कुछ नहीं दे रखा है, ना नेगेटिव चार्ज ना पॉजिटिव चार्ज, बस ऐसे दे रखा है, तो इट मीन्स वो क्या है आपका, हाइड्रोजन वहां पे है। क्लियर है? यस सर। तो चलिए जैसे हम लोग बात कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट की जब बात होती है तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाता है आपका, मॉलिक्यूलर वेट जितना बढ़ेगा वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और फिर वहां पे क्या आ जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। फिर कहीं कहीं किसी किसी कंपाउंड में, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है जब बेंजीन वगैरह होता है तो उसका ज्यादा हो जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रही बात डेंसिटी की, तो डेंसिटी में हमेशा ध्यान रखिएगा आप, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? यस सर। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ पे आता है डाइपोल मोमेंट की बात, ठीक है। डाइपोल मोमेंट की बात आती है तो यहाँ पे एक सवाल पूछता है आपसे, हमेशा बहुत बार पूछा है जेई में, ठीक है, और नीट में भी पूछा आपके, कि ये दे दिया आपको क्लोरो, इसके पोजिशन, इसके रिस्पेक्ट में किस पोजिशन पे है, पैरा पोजिशन पे है, ठीक है। दूसरा दे दिया आपको ऑर्थो पोजिशन पे, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। फिर तीसरा दे दिया मेटा पोजिशन पे, अब बताइए इसमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर, न्यू निकालिए, डाइपोल मोमेंट निकालिए। हो जाएगा ये दिव्यम, कर रहा हूँ। ओके टेक योर टाइम सर। 1-3-2 1-3-2 सबसे ज्यादा किसका होगा सर? सेकंड वाले क्यों आपके मन में आया बस कि ये होगा, या फिर इज देयर एनी रीजन? सर फर्स्ट वाले का सबसे ज्यादा होगा? नहीं, उसका तो सबसे कम होगा। ओके सर, इसका रीजन डेंसिटी से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा? डेंसिटी से। डेंसिटी से क्या फर्क पड़ता है?
उसमें तो म्यू वन और म्यू टू निकालना है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस की वजह से होता है कि नहीं? बेसिक पता है सक्षम, आपको ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट लाने के लिए बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? यस सर। चलिए मैं बताता हूँ इसका। देखिए डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जैसे कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से तो ये अपने तरफ खींचेगा, ये क्लोरीन इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है अपने तरफ खींचेगा, तो क्या यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू जीरो नहीं आ जाएगा? Yes. दिव्यम आप भी आंसर दीजिए, आ जाएगा ना? यस सर। अब देखिए ये क्लोरीन अपने तरफ खींचेगा, ये क्लोरीन अपने तरफ खींचेगा, ये वाला जो एंगल होता है बेसिकली, ठीक है, ये जब एक्सटेंड करेंगे हम लोग इस एंगल की जिसकी बात कर रहा हूं मैं, ये 60 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। वहीं पे इसकी बात करेंगे हम लोग जब इसे एक्सटेंड करेंगे तो ये वाला एंगल जो होगा बेसिकली ये होगा 120 डिग्री। और जो म्यू होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, डाइपोल जो होता है वो क्या होता है, एक वैक्टर क्वांटिटी होता है। तो रिजल्टेंट वैक्टर क्वांटिटी निकालने के लिए जस्ट सपोज ये म्यू वन है और ये म्यू टू है, ठीक है, और यहाँ भी म्यू वन और म्यू टू है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है रिजल्टेंट वेक्टर में कैसे निकालते थे क्लास 11th में, म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा। तो ये 60 डिग्री का वैल्यू ज्यादा होता है इसलिए सबसे ज्यादा किसका होगा, ये देखिए ये पैरा है, ये ऑर्थो है और ये क्या है, मैटा है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, 60 डिग्री का वैल्यू ज्यादा तो इस ऑर्थो का सबसे ज्यादा होगा, ओ का आएगा, फिर आपका मैटा का आएगा और उसके बाद किसका आएगा, पैरा का आएगा, ठीक है दिव्यम? Yes, sir. हाँ तो ये रीजन होता है इसका कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। स्लाइड चेंज करूं? Yes, sir. चलो अब देखिए इसी पे, देखिए अब मैं और बेसिक से लेके जाऊंगा आप लोगों को, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। ये आपके पास हो गया एक बेंजीन, यहाँ पे मैंने लिख दिया एक फ्लोरीन। अब जरा बताइए आप कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, यहाँ पे लिख दिया मैंने क्लोरीन और यहाँ पे ब्रोमीन। एक काम करता हूँ तीन बॉन्ड के जगह मैं सीधे ऐसे लिख देता हूँ ब्रोमीन, और यहाँ पे आ जाएगा आपका आयोडीन। तो बताइए जरा इनमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? सर आयोडीन। वेरी गुड दिव्यम। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिसका जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उसका उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें देख रहे हैं कि बेंजीन 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 सब में कॉमन है, लेकिन यहाँ फ्लोरीन थोड़ा छोटा, उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? यस सर। क्लियर है? यस सर। वेरी गुड सर जी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस चीज को डोमिनेट नहीं करता? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होगा सर, मतलब लास्ट वाले में सबसे ज्यादा होगा ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ से हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट याद करिए जरा सक्षम आप, जब भी हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के पास होगा तभी होगा, आसपास होना चाहिए। okay. तो इसमें तो कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ फ्लोरीन है, ये भी दूर है थोड़ा, ठीक है, पास पास में होगा तभी, इधर तो होगा ही नहीं, इसके बारे में सोच सकते थे, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, ठीक है, बहुत सारे आएंगे तो हो जाएगा, हो गया? ये क्लियर है दिव्यम? तो सर जी सर, तो सर अगर F के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वो सबसे ज्यादा हो जाता है? हाँ हो जाता है, ठीक हो गया, लिख लिया आप लोगों ने सर? चलो तो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज पे थोड़ा फोकस करिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछता है आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज हमें पढ़ना था ना सर, तो आपने सॉल्युबिलिटी में इतने लिखवाया था कि हैलोजेंस आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, और कुछ है उसमें? देखिए वहाँ पे बहुत ही स्लाइटली सॉल्युबल होता है, बस उतना ही लिखवाया था मैंने। यस सर। ओके ओके एक मिनट रुक जाइए। देखिए अगर क्वेश्चन आता है तो मैं वहां एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को कि कैसे अटेम्प्ट करना है, अगर कुछ कंपैरिजन आता है, ठीक है। वो एक्चुअल में हेलो एल्केन्स जो होते हैं
वो अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जिसके वजह से कम सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता तो इजीली सॉल्यूबल हो जाते हैं, ठीक है। तो उतना काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। ठीक, ओके सर। और बाकी सॉल्युबिलिटी में मैंने ये चीज़ बताया था आप लोगों को जब सॉल्यूशन पढ़ रहे थे बेसिकली, कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, अनलाइक डिजॉल्व्स अनलाइक, ठीक है। तो बेसिकली जब भी वो वाला भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल है तो पोलर में डिजॉल्व होगा, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, क्लियर है। यस सर। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। आपको डाउट था क्या सक्षम, आपने सर से बोला था? सर ने वो बीच में मेरा लेक्चर छूटा था तो मैंने कर दिया सर। ओके, तो देखिए इधर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स की बात करेंगे, हेलो एरिन्स की बाद में बात करेंगे, ऑफ हेलो एल्केन्स। तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स की बात करेंगे, तो यहाँ कुछ रिएक्शंस आते हैं जिनका नाम है, सबसे पहला आ जाता है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सारे रिएक्शंस होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर दूसरा आ जाता है आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन। फिर थर्ड आ जाएगा अपने पास रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल्स। एंड फोर्थ जो आएगा आपके पास, थर्ड तक लिखिए, फोर्थ की बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, ठीक है। ये लिख लिया आप लोगों ने। देखिए टॉपिक डालिएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात होती है अपने पास, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है। जैसे नेचर ऑफ कार्बन बॉन्ड देखेंगे, ये ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। बेसिकली नेचर ऑफ हेलो एल्केन देख रहे हैं, तो हमें पता है कि एक्स जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से डेल्टा नेगेटिव आएगा, और सी जो है पॉजिटिव है, इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेल्टा पॉजिटिव आएगा। अब ये डेल्टा पॉजिटिव आ गया, विच मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है, आएगा कि नहीं, होगा कि यस नहीं, सर। दिव्यम आप भी बताइए। तो जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, बेसिकली न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लवर, और इलेक्ट्रॉन से किसको प्यार होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस लवर, न्यूक्लियस से किसको प्यार होगा, पॉजिटिव चार्ज से किसको प्यार होगा, नेगेटिव चार्ज को, यानी वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन पुअर होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे रहेगा तो वो देखेगा कि कार्बन पे जो है क्या हो रहा है, कार्बन पे क्या हो रहा है आपका, कार्बन इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लवर। तो ये किस पे अटैक करेगा आपका, सीधे सीधे इस पे अटैक करेगा, समझ में आई बात, यस सर। ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सी एक्स, ठीक है, अब यहाँ पे एक मिनट रुक जाइए, वहीं बना देता हूँ मैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा अपने पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे सी, अब एक्स के जगह एन यू आ जाएगा, और ये ऐसे 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 था, और ये एक्स माइनस बाहर निकल जाएगा, बेसिकली ये बाहर निकलेगा। कार्बन टोटल चार बॉन्ड बना सकता है, अब जाहिर सी बात है कार्बन पॉजिटिव पे न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड बनाएगा, तो इसे तो बाहर निकलना ही पड़ेगा ना, समझ रहे हैं आप लोग। सर एक बार वाला पॉइंट फिर से बता दीजिए। ओके, देखिए इधर मैं दोबारा यहाँ लिख के बताता हूँ। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे चार बॉन्ड बनाया है कार्बन, एक्स जो है वो हेलोजन है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कार्बन से, डेल्टा नेगेटिव, और इस पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव। अब यहाँ पे है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल उसके पास है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। जब न्यूक्लियोफाइल देखेगा कार्बन को इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, और ये एक्स जो है बेसिकली इसके इलेक्ट्रॉन को लेके भागना चाहता है, तो जब ये भागेगा तो ये कार्बो केटायन हो जाएगा। तो उसी टाइम पे जब वो कार्बो केटायन होगा उसी टाइम पे ये इसको अटैक कर देगा, ठीक है। जब ये अटैक किया तो कार्बन का तीन बॉन्ड था, ऑलरेडी तीन बॉन्ड था, ठीक है, ये एक्स जो है कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया तो एक्स नेगेटिव हो गया।
अब ये एक बॉन्ड जो पॉजिटिव बचा है यहाँ पे, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इससे बॉन्ड बना लेगा न्यूक्लियोफाइल, चार बॉन्ड बन गया, फिर से स्टेबल हो गया। यस सर, समझ में आया? यस सर। चलिए लिखते जाइए, मैकेनिज्म जरूर समझिएगा ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे फटाफट हो जाए, और इसका प्रोडक्ट बनाइए जरा अगर आपको समझ में आ गया है तो। CH3CH2Br और यहाँ पे OH- से रिएक्ट करा दिया, जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, जितने भी लोन पेयर होते हैं, सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जिस पे पॉजिटिव चार्ज या रेडिकल होता है, या फिर जस्ट सपोज जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है लाइक BF3 AlCl3, वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। बात समझ में आई? Yes. यहाँ पे अगर नेगेटिव रख दिया तो इसका मतलब हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल। इसका प्रोडक्ट बना दीजिए फटाफट। हो गया दिव्यम? यस सर। तो प्रोडक्ट बन गया, यस यहाँ सर। क्या होगा CH3 CH2 और CH2OH। OH आ जाएगा और Br- बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की बात हो रही है तो दो टाइप के इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल आपके दो टाइप के होते हैं, यहाँ लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोफाइल दो टाइप के होते हैं। एक तो आपका वो होता है जिसपे नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, और जो दूसरा होता है आपका वो होता है एटलीस्ट वन न्यूट्रल स्पीसीज विद एटलीस्ट वन लोन पेयर, एक लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है। तो एज फॉर एग्जाम्पल नेगेटिवली चार्ज वाले का कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, OH- हो गया, CN- हो गया, RO- हो गया, RCOO- हो गया, SH- हो गया, RC BC- हो गया, ये सारे के सारे जो होंगे आपके ये क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज स्पीसी जितने भी होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं आपके, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और न्यूट्रल स्पीसीज जिस पे लोन पेयर हो, जैसे मान लीजिए H2 हो गया, इसके पास तो दो दो लोन पेयर हो गया, NH3 हो गया एक लोन पेयर है, NHR2 हो गया, NHR2 हो गया इसके पास तो एक लोन पेयर है, R2NH हो गया इसके पास दो लोन पेयर है, ये टू है, ठीक है, R3N हो गया इसके पास भी एक लोन पेयर है। तो जितने भी लोन पेयर वाले होते हैं या नेगेटिवली चार्ज होते हैं सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएंगे। क्लियर है? यस सर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, हो गया दिव्यम? ओके, अब ध्यान दीजिए जरा, इस वजह से यहाँ पे दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, एक आपका न्यूट्रल बनता है और एक आपका पॉजिटिव बनता है। कहने का मतलब ये है, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जस्ट सपोज यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, ये NU है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब एक लोन पे, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है। अब ये जस्ट सपोज RX से रिएक्ट कर रहा है, जब RX से रिएक्ट करेगा आपको पता है कि ये जो X है भागेगा, R का मतलब इलेक्ट्रॉन लेके किसका, अल्काइल ग्रुप का, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो उसी टाइम न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। तो प्रोडक्ट जो बनेगा सबसे पहले तो ये बन जाएगा कि X-, उसके बाद एक ये बन जाएगा RN, ठीक है, क्लियर है ये बात? RN बनेगा, इलेक्ट्रोफिलिक के लिए होगा ना, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक
ठीक है, अब जरा यहाँ पे फोकस करिए, जरा इस पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था, तो जब ये इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा मतलब आर को देगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन ऑलरेडी नेगेटिव था तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, तो प्रोडक्ट न्यूट्रल देगा कि नहीं। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आपका न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, और यहाँ आर एक्स से रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स इसके इलेक्ट्रॉन को लेके भागेगा, इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, तो उसी टाइम क्या करेगा, ये इस पे अटैक करेगा। अब फोकस करिए जरा, यहाँ पे एक्स माइनस तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा बेसिकली वो पॉजिटिवली चार्ज बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास ये जब इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन, ये एन यू है, सॉरी ये क्या है, एन यू है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देगा तो न्यूक्लियोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, ये बताइए। और ये पॉजिटिव चार्ज मैनेज नहीं हो पाएगा तो यहाँ प्रोडक्ट में तो लगेगा ही लगेगा। यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये इलेक्ट्रॉन दिया तो ये ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हुआ, इसलिए यहाँ न्यूट्रल प्रोडक्ट दिया, और यहाँ पे कैसा दिया, पॉजिटिव प्रोडक्ट दिया, चार्ज पॉजिटिवली चार्ज प्रोडक्ट दिया। समझ में आया ये बात? यस दिव्यम। यस अगर समझ में ना आए दिव्यम दोबारा पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, ये क्लियर है? हाँ सर। वेरी गुड, ठीक है। और ये जो निकल के जाता है इसको हम लोग कहते हैं लिविंग ग्रुप, क्या कहते हैं, लिविंग ग्रुप कहते हैं, ठीक है, लिविंग ग्रुप, ये भी क्या हो जाएगा, लिविंग ग्रुप, क्लियर है, इसे लिख लीजिए आप लोग। Yes, sir, done. Very good. अब देखिए, ये देखिए, ये लिख लिया आप लोगों ने, बेस्ट लिविंग ग्रुप जो होता है वो आई माइनस होता है, बी आर माइनस, उसके बाद सी एल माइनस, जो सबसे पुअर होता है, सबसे कम लिव करता है, वो क्या होता है, एफ माइनस होता है, ये भी लिख लिया आप लोगों ने। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, यहाँ आता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन्स की जब बात करते हैं तो सबसे पहले एक बात करते हैं हम लोग कि CH3Cl, CH3Br, CH3I, जरा बताइए इसमें कि सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा, सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा, Cl, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऐसे होगा, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, ध्यान से देखिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, एक्सपेक्टेड जो ऑर्डर होना चाहिए, जो ज्यादा चार्ज्ड है वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो यानी CH3Cl का सबसे ज्यादा होना चाहिए, उसके बाद CH3Br का, और उसके बाद क्या होना चाहिए, CH3I का, ये एक्सपेक्टेड है। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि CH3I सबसे ज्यादा होता है, CH3Br उसके बाद होता है, CH3Cl उसके बाद होता है, और सबसे कम जो होता है CH3F होता है। दिस वन इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आप ही बताइए, जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा, यानी वो कम ज्यादा रिएक्टिव होगा, लेकिन ये वाला नहीं होता, ये वाला होता है, क्योंकि बेस्ट लिविंग ग्रुप आयोडीन है, इजिली छोड़ के चला जाता है ड्यू टू लार्जर साइज, वीकर बॉन्ड, ठीक है, लार्जर बॉन्ड, वीकर
मतलब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाता है, तो जिससे जिसके वजह से आई माइनस इजिली निकल जाता है। तो ये होता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिए। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आर आई ग्रेटर देन आर बी आर ग्रेटर देन आर सी एल ग्रेटर देन आर एफ, ये आर वाला लिखिएगा आप लोग, ज्यादा बेटर होगा। दिव्यम हो गया, यस सर, वेरी गुड। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को और डिटेल में पढ़ते हैं, इसके अलग अलग एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ले लेते हैं हम लोग, फर्स्ट वन, सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, OH माइनस, क्या होता है, OH माइनस। तो यहाँ पे जब भी OH जाके सब्स्टिट्यूट करेगा आपका, तो फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल होगा, खुद देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। अभी पीछे मैंने एक एग्जांपल कराया था, उसमें भी क्या था, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल ही हुआ था। कहाँ पे आप लोगों ने किया था ना, ये प्रोडक्ट एक, ये क्या बना था। तो जब भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करेगा क्या बनेगा, अल्कोहल ही बनेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं, तो ये हेलो एल्केन हो गया, ये क्या हो जाएगा, प्लस में आर ओ एक्स हो जाएगा। ठीक है, सॉरी के प्लस ओ एच माइनस, यानी के ओ एच है, के ओ एच है, तो बेसिकली ओ एच पे माइनस होता है और इस पे क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ये दोनों चीजें बाहर निकल जाएंगे, तो अपने पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, आर ओ एच बनेगा और प्लस में क्या बनेगा, के एक्स बनेगा। अब इस पे दो एग्जांपल दे देता हूँ, फटाफट करिए जरा, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू बी आर और प्लस में दे दिया मैंने के ओ एच एक प्लस में, तो प्रोडक्ट बताइए। ठीक है, फिर आपको दे दिया मैंने सी एच थ्री सी एच टू बी आर, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया मैंने ए जी ओ एच, ठीक है, तो आप प्रोडक्ट बनाइए। और इसमें हमें करना पड़ता है हीट, क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है ताकि रिएक्शन हो, यहाँ हीट कर दिया हमने। प्रोडक्ट बना के नाम भी बताते हुए जाइए, प्रोपेनॉल इथेनॉल, वेरी गुड। यहाँ पे बन जाएगा आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच और इसके साथ क्या बाहर निकल जाएगा, के बी आर बाहर निकल जाएगा। दिव्यम समझ में आ रहा है आपको, यस सर। और यहाँ पे ए जी बी आर बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा सी एच थ्री सी एच टू ओ एच बन जाएगा और ए जी बी आर बाहर निकल गया, लिख लिया आपने दिव्यम, यस सर। ये के बी आर और ए जी बी आर का कोई एप्लीकेशन होता है? नहीं, क्या क्या कोई, ये बाई प्रोडक्ट होता है, हमारा मेन प्रोडक्ट ही है, इससे मतलब होता है सर, मतलब इनका कोई एप्लीकेशन नहीं। अब प्रोडक्ट में और इधर कहीं ना कहीं है, तो ये तो कहीं ना कहीं जाएगा ना, अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो एप्लीकेशन कुछ नहीं होता, इससे हम निकाल देते हैं प्रेसिपिटेट करके, हम इसे हटा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, दूसरा सब्स्टिट्यूशन समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कॉक्सी ग्रुप, बाय एल्कॉक्सी ग्रुप की बात कर रहे हैं, एल्कॉक्सी का मतलब क्या हो गया, ईथर की बात हो रही है। ठीक है, एल्कॉक्सी जो आएगा अभी पता चल जाएगा, तो यहाँ पे जब भी सब्स्टिट्यूट करेंगे एल्कॉक्सी ग्रुप तो फॉर्मेशन ऑफ ईथर होगा, क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। अब देख लीजिए कैसे, जैसे हेलो एल्केन से तो रिएक्शन कराना ही कराना है, और एल्कॉक्सी ग्रुप की बात कर रहा है तो NaOR लेंगे, सोडियम एल्कॉक्साइड, तो यहाँ पे भी वही चीज होगा, NaX, ये सॉल्ट बन के निकल जाएगा,
और यहाँ जो प्रोडक्ट देगा वो क्या देगा, आर ओ आर दे देगा, NaX बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो दिव्या में एक और सवाल, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास CH3CH2I और यहाँ पे जस्ट सपोज दे दिया NaOCH3, तो यहाँ प्रोडक्ट बताना है, और दूसरा दे दिया अपने पास CH3CH2Br और यहाँ दे दिया आपके पास NaOCH3 CH2। एक्सक्यूज मी सर, यस सर, जो हमारा बेसिक रिएक्शन है उसमें NaOR लिखा है आपने, NaOR, हाँ यही होता है सोडियम एल्कोक्साइड एल्क। ठीक है, एल्क हो जाएगा, अगर ये मीथेन होता CH3 होता तो सोडियम मिथॉक्साइड हो जाता, इथेन होता तो सोडियम इथॉक्साइड हो जाता, ये आपका क्या देगा, हमेशा आपका ईथर देगा। ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आता है, वो भी न्यूक्लियोफाइल है, NaOR क्या है, न्यूक्लियोफाइल ही तो है, इस पे क्या होगा, वो पे क्या होगा, लोन पेयर होगा, और जिस पे भी लोन पेयर होगा वो क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच होंगे कि नहीं दिव्यम? यस सर, हो गया। ओके दिव्यम, यस सर, फर्स्ट वाला हो गया, ये निकाल दिया होगा आपने और ये दोनों ऐड कर दिया होगा, बेसिकली इस पे लोन पेयर है, आयोडीन इसका इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा तो ये क्या करेगा, CH3CH2 और OCH3 बना लेगा। ठीक है, और इसके साथ NaI भाग गया, निकल गया, और यहाँ पे देखेंगे CH3CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका OCH3CH2CH3 हो गया, यही आया है ना, NaBr निकल जाएगा। अच्छा, किसका, इसका या इसका, क्या सर, दोनों का, इसका नाम देखेंगे तो इथेन मिथॉक्साइड हो जाएगा, इसका देखेंगे तो इथेन इथॉक्साइड हो जाएगा। चलिए अब दूसरा वाला, तीसरा रिएक्शन देखते, देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो आगे पढ़ना है, लेकिन मैं यही बता देता हूँ, यहाँ पे एक नेम रिएक्शन आता है जिसको हम लोग कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, ये नेम रिएक्शन है आपका। ठीक है, ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे देखिए होता क्या है, यहाँ भी इसी से रिलेटेड है इसलिए बता रहा हूँ मैं, CH3CH2Br होता है और ये Ag2O से रिएक्ट कराता है, तो बेसिकली 2 मोल इसका भी लेते हैं और इसको रिएक्ट कराते हैं, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन है यहाँ पे तो इस पे होगा लोन पेयर, और ये है आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो डेल्टा नेगेटिव और इस पे डेल्टा पॉजिटिव, तो ये भागने की कोशिश करेगा, तो ये 2Br मिलके 2Ag से मिलके क्या बना लेगा, 2AgBr बना लेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3CH2 और यहाँ पे क्या बना लेगा OH बना लेगा कि नहीं, सॉरी OH क्यों बनाएगा, यहाँ पे देखिए ये CH3 का CH2 का होल ट्वाइस है तो यहाँ आ जाएगा CH3CH2 और ये जो O होगा इसके पास चला जाएगा फिर यहाँ पे लिख देगा CH2CH3। क्लियर है, थोड़ा सा सोचिए, ये डबल है, डबल है, 2 मोल है तो CH3CH2 दो बार आएगा कि नहीं, और ये ऑक्सीजन बीचों बीच चला जाएगा, हो गया प्रोडक्ट सक्षम, सॉरी दिव्यम, यस सर, क्लियर है, चलिए लिख लिया आपने, यस सर, तो ये होता है विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, थर्ड वाले पे, इसमें क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन ऑफ सियानो ग्रुप, ये सारी चीजें इसलिए मैं करा रहा हूँ ताकि आपके फंक्शनल ग्रुप भी बार बार आए, अलग अलग आए, ताकि याद हो जाए आपको। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे सियानो ग्रुप में क्या होता है, CN होता है, इतना तो पता होगा, तो यहाँ पे फॉर्मेशन जो होता है सेनाइड या नाइट्राइल का होता है, दोनों नाम सेम ही है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सियानाइड्स, सियानाइड्स और नाइट्राइल्स, ठीक है, तो ये होता कैसे है एक्चुअल में, सब्सटीट्यूशन बाय सियानो ग्रुप, यानी सियानो ग्रुप से इसमें सब्सटीट्यूट करना है तो यहाँ पे KCN आएगा, क्या आएगा, KCN, और यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3 RX ले लेते हैं, बेसिकली क्या ले लेते हैं, RX,
तो यहाँ पे देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, के जो होगा वो प्लस में जाएगा, ये माइनस में जाएगा, ये माइनस में जाएगा, ये प्लस में जाएगा, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। तो यहाँ पे बस इतना ध्यान में रखना है आपको, सब पे क्या करना है, हीट, सारे रिएक्शन पे हीट है। अगर मैं कहीं छोड़ दिया हूँ तो लिख लीजिएगा, ये भी हीट कर रहे हैं, ये भी हीट कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। अब देखिए yes, यहाँ पे नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास यही चीज तो हो रहा है, नेगेटिव वाला यहाँ पे देखेंगे आप इससे पहले वाले रिएक्शन में हर चीज में यही हो रहा है। यहाँ ये नेगेटिव किसके पास जा रहा है, पॉजिटिव वाले के पास, पॉजिटिव वाला किस पे जा रहा है, नेगेटिव वाले के पास। तो यहाँ भी वही होगा कि ये जो सी एन है वो किसके पास जाएगा, किसके, सॉरी के प्लस एक्स माइनस, तो ये के एक्स बनाएगा और यहाँ क्या बना लेगा, आर सी एन बना लेगा। हो गया, बन गया कि नहीं? तो ये सेनाइड्स और नाइट्राइल सेम को कहते हैं, सी एन माइनस को, सियानो ग्रुप। चलिए अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसके भी दो एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे सपोज अपने पास दे दिया CH3CH2I और इसमें रिएक्ट करा दिया हमने KCN से, तो प्रोडक्ट क्या देगा, बहुत आसान लग रहा होगा, ये आसान है ना? Yes, sir. दिव्यम यस सर, हो गया, फर्स्ट वाला हो गया। वेरी गुड। तो यहाँ पे अपने पास प्रोडक्ट आया होगा CH3CH2CN और प्लस में आ गया होगा KI, यहाँ पे CH3CH2CN और इसमें आ गया होगा KBr। सवाल ये है, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा या ये ऊपर वाला, कौन वाला, आयोडीन वाला या ब्रोमीन वाला? आयोडीन वाला, आयोडीन वाला, क्योंकि ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो एक काम करिए सक्षम, इसका भी नॉमेनक्लेचर कर ही दीजिए, हाथों हाथ लगे आप। सर साइनोइथीन, साइनोइथीन, इथीन, इथीन कहाँ से आ जाएगा, इथेन, इथेन, अच्छा इथेन नाइट्राइल होता है या फिर मिथाइल साइनाइड होता है, मिथाइल साइनाइड हो सकता है, नहीं नहीं वो कॉमन नेम आ जाएगा इसका, देखेंगे तो इसका IUPAC जो साइनाइड का होता है वो होता है एल्केन नाइट्राइल। तो यहाँ पे नाम आएगा ये, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन नाइट्राइल, ये भी इथेन नाइट्राइल होगा। ठीक है, चलिए अब आइसोसेनाइड वाला भी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, आइसोसेनाइड और सेनाइड में क्या डिफरेंस है? बताइए, क्या बोला आपने सर? बेसिकली जिस तरीके से हम उसे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल साइनाइड को हम CN करके लिखते हैं, आइसोसाइनाइड को NC, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, कुछ लॉजिक होना चाहिए ना, इसको ऐसे क्यों लिखते हैं,
इसका कुछ मतलब बनता है क्या? RCN लिखते हैं और RNC लिखते हैं, इसमें कुछ डिफरेंस है? बॉन्डिंग का डिफरेंस है, यहाँ R जो है कार्बन से कनेक्टेड है, यहाँ R जो है वो किससे कनेक्टेड है? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स बताया था मैं, एम्बिडेंट एम्बिडेंट लिगेंड, जिनके दो साइड्स होते थे बॉन्डिंग करने का, याद आया? तो बेसिकली जब N से कनेक्टेड होता है तो आइसो होता है, और जब C से कनेक्टेड होता है तो सियानो होता है, आइसो सियानो और सियानो। तो इसका अगर जनरल देखें तो R X जो है वो रिएक्ट करता है जस्ट सपोज AgCN से, तो यहाँ पे बनाएगा RNC, ठीक है, और यहाँ बन जाएगा AgH, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एल्कोहलिक AgCN होना चाहिए, एल्कोहलिक, यही सब बातें ध्यान में रखने वाली है। जैसे जस्ट सपोज मैंने दे दिया C2H5Br, AgCN से रिएक्ट करा के प्रोडक्ट बनाइए जरा। जब भी एल्कोहलिक AgCN हेलो एल्केन में ऐड होगा तो आपका आइसोसियानो देगा, ठीक है, और इसका जो नाम होता है वो होता है अल्काइल आइसोसियानाइड। तो इसका प्रोडक्ट बना के उसका नाम करिए इसके हिसाब से। इथाइल आइसोसाइनाइड, दिव्यम? यस सर, आ गया। तो C2H5NC+AgBr आएगा ना? हाँ, AgBr, तो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा? इथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा, ठीक है। यस सर, चलिए आगे बढ़े। यस सर, स्लाइड चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप। यहाँ पे फॉर्मेशन जो होगा वो अमीन्स का होगा, फॉर्मेशन ऑफ अमीन्स। अब यहाँ फॉर्मेशन ऑफ अमीन्स की जब बात करते हैं तो देखिए बेसिकली होता क्या है कि आर एक्स जो है वो NH3 से रिएक्ट करता है, तो NH3 को मैंने NH2 लिख दिया। अब यहाँ NH2 लिखा, यहाँ पे क्या होगा, ये HX बाहर निकल जाएगा, RNH2 बना लेगा। क्या बना लेगा? RNH2 अमीन बन गया 1 डिग्री का, और ये HX, और यहाँ भी अमोनिया जो है, हमने NH3 जो लिया है अमोनिया, वो एल्कोहलिक होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ मैं, CH3 CH2Br+NH3, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास CH3CH2Br, और प्लस में मैंने दे दिया CH3CH2NH2, और इसका नोमेनक्लेचर तो मैंने बताया ही था, एल्केन अमीन होता है। सर, जो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें आपने प्लस एच लिखा है, प्लस हाइड्रोजन, प्लस NH3 है बेसिकली ये, तो NH3 को मैंने क्या कर दिया, NH2 एक साथ लिखा और H को हटा दिया, ताकि मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ। पहले वाले का हो जाएगा। Yes. तो यहाँ पे यही चीज करना है कि आपको
NH3 को समझने के लिए एक हाइड्रोजन हटाना है, तो H ऐसे लिख सकते हैं दोबारा, और इन दोनों को हटा देंगे और इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NH2, और बाहर क्या निकलेगा आपका, HBr निकल जाएगा। ठीक है, सक्षम। दूसरा वाला कर सकते हैं, वेट अ मिनट, यहाँ पे प्रोडक्ट का रिएक्टेंट क्या है, कि रिएक्टेंट है आपका CH3 CH2 Br, और प्लस में आ जाएगा आपका क्या, CH3 CH2 NH, यही होगा ना। और यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, अल्कोहलिक होना चाहिए। प्रोडक्ट क्या बना आपका, इथेनामीन ही सर, जो रिएक्टेंट है सेम प्रोडक्ट बनना। प्रोडक्ट का नाम तो बताइए, इथेनामीन। इथेनामीन, बिल्कुल गलत। दिव्यम, तो कर रहा हूँ, चलिए इधर देख लीजिए जरा, सक्षम तब तक आप। एच एन एच, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सक्षम लिख सकता हूँ ना। अब देखिए, जो हमें हटाना है वो तो HBr निकलेगा ना, तो जरूरी HBr निकालना। हाँ, HBr ही निकलेगा, मैंने आपको बेस क्या बताया कि HBr ही निकलेगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि इस बॉन्ड को तोड़ दीजिएगा आप, नाइट्रोजन और कार्बन का जो बॉन्ड होगा वो तो स्ट्रॉन्गर होगा ना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। जी सर। अब ये बॉन्ड जब टूटेगा तो यहाँ बना, अब यहाँ देखिए N है, इस पे एक H है, और इस साइड में CH2 CH3 है, और इस साइड में आके ये वाला लग जाएगा, तो CH2 CH3 हो जाएगा। दिव्यम देख रहे हैं आप? यस सर, देख रहा हूँ। अब देख लीजिए, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH2 CH3 का होल ट्वाइस NH, लिख सकते हैं कि नहीं, तो प्रोडक्ट ये बना कि नहीं, या फिर ये बना ना। यस सर, यस सर। अब नोमेनक्लेचर करिए और दूसरा वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जो मैं दे रहा हूं। वेरी गुड, नाम भी लिख लीजिए ऊपर, दोनों का नाम लिखिए। सर, जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ अमीन वाले में हो, तो सर आपने जो पहले टाइप्स कराए हैं उनमें भी तो ऐसे आ सकते हैं कि AGBr ही सेपरेट करना और KI सेपरेट। तो AGBr ही सब में किया है, और कुछ कर दिया क्या मैंने? नहीं सर, आपने तो मतलब जैसे सीधा सीधा क्वेश्चन दिया था ना। हाँ हाँ, मतलब वैसा, मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जैसे जैसे अभी ये मतलब दिया। आवाज नहीं आ रही, बोलिए दोबारा। सर, उस पिछले वाले टाइप में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जैसे आपने ये वाला करवाया अभी? हाँ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एक्चुअल में ये मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है ये दिखाना चाहता हूँ। इस पे तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन अपने अपने चैप्टर में आएंगे,
जैसे अमीन की बात कर रहे हैं, इस पे नाइट्रोजन कंटेनिंग चैप्टर अमीन है पूरा का पूरा, ठीक है। ईथर की बात करेंगे, अल्कोहल्स एंड ईथर्स में पूरा उसी पे पढ़ना है। तो ये बेसिक सा आइडिया दे रहा हूँ। सबसे पहले तो मेरा मेन मोटो ये है कि आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है इस पे फोकस करिए, उसके अलावा क्या क्या हो सकता है, और फिर इससे भी रूबरू हो जाएंगे आप लोग कि ये रिएक्शन आपने देखा है तो उस टाइम पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगे। लेकिन ये सारे रिएक्शंस इसी तरीके से बढ़ते हैं। अब उसके बाद अलग बात है, मान लीजिए इधर सेकेंडरी ब्रोमीन दे दिया, इधर सेकेंडरी कुछ दे दिया, तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है, मतलब कॉन्सेप्चुअल जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ये तो आसान आसान सा है ना, एक ही चीज हम बार बार कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट अगर आपका बना होगा तो कुछ ऐसा बना होगा, CH3 CH2 का होल थ्राइस एंड देन N। अब IUPAC बता दीजिए जल्दी। हो गया, एन कॉमा एन डाइइथाइल इथेन अमीन, एन कॉमा एन डाइइथाइल इथेन अमीन, वेरी गुड। और इसका एन इथाइल इथेन अमीन, ठीक है। स्लाइड चेंज करूं अब, ठीक है, चलिए। अब देखिए अपने पास क्या आएगा, ये जितने भी रिएक्शंस मैंने लिखवाया है, अब हम टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। टॉपिक डालिएगा, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जब टाइप देखते हैं तो पहला जो आता है अपने पास वो हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर। मॉलिक्यूलरिटी पढ़ा आप लोगों ने। दूसरा जो होगा अपने पास वो हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर। ये जो बाइमोलिक्यूलर है बेसिकली इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं SN1 से, और इसको बाइमोलिक्यूलर है ना तो SN2 से, और इसको किससे करते हैं SN1 से। और थर्ड जो है अपने पास दो ही टाइप का होता है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है, SN1 और SN2 पे। तो सबसे पहले टॉपिक डाल लीजिएगा आप लोग SN2, पहले ऊपर लिखवाएंगे SN2 लिख लीजिए, सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिक्यूलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर, ठीक है, SN2 reactions। टॉपिक डाल लिए आप लोग, लिख लिए, दिव्यम हो गया, तो यहाँ पे देखिए एक रिएक्शन लिखता हूं मैं जो आप लोग इसका प्रोडक्ट खुद ही देख के बता देंगे। CH3Br प्लस OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल को हमने ऐड किया तो ये सब्स्टिट्यूट कर लेगा इसका जगह, और ये क्या हो जाएगा CH3OHBr। एक्चुअल में पहले ध्यान दे दीजिएगा उसके बाद लिखिएगा, एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है कि ये जो रिएक्शन होता है बेसिकली ये एक सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक होता है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स याद आया, केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ा था 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर,
तो ये वाला जो रिएक्शन होता है बेसिकली ये क्या होता है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक होता है, याद है? अगर इसका रेट लिखना चाहें हम लोग तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू सी एच थ्री बी आर इंटू ओ एच माइनस लिख सकते हैं, ऐसे ही तो रेट लिख रहे थे रिएक्टेंट वाले का, ठीक है? और वही पे अगर बात करें हम लोग कि मिथाइल प्राइम इसकी रेट लिखने की बात करें तो के इंटू ये क्या आ जाएगा आपका आर एक्स इंटू ओ एच माइनस, ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब एक जनरल के लिए आर एक्स अगर यहाँ होता आर एक्स और यहाँ होता ओ एच माइनस तो इसके लिए तो क्या आता आपका के इंटू, यहाँ सी एच थ्री बी आर के जगह आर एक्स और ओ एच माइनस के जगह ओ एच माइनस होता, ठीक है? तो देखिए बाई मॉलिक्यूलर इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें दो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है? बाई मॉलिक्यूलर क्यों कहा गया, बिकॉज बिकॉज टू मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इन डिटरमाइनिंग टेक पार्ट इन डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो बेसिकली बात बस इतनी सी है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ऐसे लिख देता हूं मैं यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर बिकॉज यहां दो मॉलिक्यूल पार्ट ले रहे हैं फॉर डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, क्लियर है? यस सर। इसको हम SN2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? और ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन होता है, किस स्टेप में होता है, सिंगल रिएक्शन में स्टेप होता है, सिंगल रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बना लेता है सिंगल स्टेप में। लिख लिया आप लोगों ने? स्लाइड चेंज करो। सक्षम दिव्यम सर। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, जैसे कि मैंने बताया कि ये सिंगल स्टेप में होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दिस रिएक्शन occurs in single step through the formation of transition state. Transition state वही intermediate को कहते हैं transition state. As for example, अगर reaction लिखना चाहूं मैं, इसमें बैक अटैक होता है, ठीक है? जिसमें क्या होता है बैक अटैक साइड होता है, ठीक है? एक्चुअल में यहाँ पे सी बी आर ये वाला रिएक्शन पता है आप लोगों ने, उसमें भी पढ़ाया था मैंने केमिकल काइनेटिक्स में कि प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा, याद आया? केमिकल काइनेटिक्स तो ये एच, ठीक है? ये वन डिग्री अल्काइल हैलाइड है, वन डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो बेसिकली जब भी हम यहाँ पे क्या होता है कि आपको मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे क्या है ओ एच माइनस है, ओ एच माइनस है, तो यहाँ पे हमेशा बैक साइड अटैक होता है। क्या होता है बैक अटैक कहते हैं या बैक साइड अटैक होता है, फ्रंट साइड नहीं करेगा न्यूक्लियोफाइल क्योंकि ये वाला जो पार्ट होता है नेगेटिव बन के भागता है। अगर फ्रंट साइड पे आ गया ओ एच माइनस तो इन दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा कि नहीं, रिपल्सन होगा, जिसके वजह से ये पॉसिबल नहीं होगा रिएक्शन, इसलिए ये बैक साइड अटैक करता है। और सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट में आता है, सी जो है इधर से ये बी आर माइनस जो है ये टूटने वाला है और इधर से ये ओ एच माइनस वाला जो है वो क्या है जुड़ने वाला है, बाकी ये सी एच थ्री यहीं पे है और एक हाइड्रोजन जो है आपका ऐसे है और एक हाइड्रोजन सॉलिड हो जाए, ठीक है? ये ट्रांजिशन स्टेट है, थोड़े जस्ट उसी टाइम पे क्या हो जाएगा, बहुत कम टाइम के लिए बनता है, ये ओ एच इधर लग जाएगा, ये सी ये एच इधर आ जाएगा और ये एच यहीं रहेगा यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे सी एच थ्री था तो सी एच थ्री हो जाएगा,
ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा, बी आर माइनस विच इज लिविंग ग्रुप, बी आर माइनस क्या है, लिविंग ग्रुप है। तो ये होता है आपका एस एन टू रिएक्शन विच इज बैक अटैक, हमेशा बैक बैक साइड अटैक करता है। ठीक है, दिव्यम 1 मिनट सर। ओके, यस सर, डन। वेरी गुड, चलिए स्लाइड चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे मैं बताऊंगा कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हैलाइड में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है या 3 डिग्री होता है फॉर एस एन टू। तो यहाँ पे देखिए अगर डायग्रामेटिकली मैं बताऊँ तो ये हो गया आपके पास ओ, और इसको बस मैं डायग्रामेटिकली ऐसे बता रहा हूँ, और यहाँ है H, तो ये दोनों के बीच के बॉन्ड है OH। अब यहाँ पे है आपके पास C, फ्लोरीन, जिससे डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच्ड है एक, ठीक है, फिर यहाँ पे एक और आ जाएगा दो, और फिर यहाँ पे आ जाएगा एक और तीन, ठीक है, और यहाँ पे Cl है आपके पास, ये ऐसे अटैच्ड। जब ये रिएक्शन होगा तो सबसे पहले ट्रांजिशन स्टेट में आएगा, और ट्रांजिशन स्टेट में कैसे आएगा भाई, C और ये हो जाएगा Cl, और H थोड़ा ऊपर चला जाएगा, इसको जगह देगा आने के लिए, और ये H थोड़ा और नीचे आ जाएगा, यहाँ पे भी H ही है, ये क्या कर देगा, H जो है एक इधर आ जाएगा, एक हो गया, दो हो गया H, और तीसरा ऊपर है ही, और यहाँ पे क्या होगा आपका, ऐसे रुक जाइए, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटने वाला है क्लोरीन के साथ, और इधर बॉन्ड जुड़ने वाला है ऑक्सीजन के साथ, और ये तो ऑलरेडी यहाँ पे अटैच्ड है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। अब यहाँ पे करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, और ये पूरा का पूरा इन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है पहले लेफ्ट हैंड साइड पे था, बैक अटैक के होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, किस पे आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, और ये जो है आपका बेसिकली O, और फिर इधर से क्या हो जाएगा H, और यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप Cl- बन के निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक चीज पहले लिखे नहीं, यहाँ पे सुनिए, अगर यहाँ हाइड्रोजन था इजिली यहाँ आ गया, जस्ट सपोज हाइड्रोजन के जगह कोई CH3 होता तो बड़ा ग्रुप हो गया कि नहीं, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में CH3। तो इसको बॉन्ड बनाने में थोड़ा दिक्कत होता क्योंकि एस्टेरिक हिंड्रेंस आता, आता कि नहीं सर। yes. अब मान लीजिए थोड़ा एस्टेरिक हिंड्रेंस आया, अब मान लीजिए यहाँ पे भी CH3 मैंने डाल दिया तो और ज्यादा एस्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, एस्टेरिक हिंड्रेंस आएगा तो इसे जाने देगा इधर, ये OH माइनस है, ये Cl माइनस, ठीक है, तो ये इसमें बॉन्ड बनाने देगा, जाने देगा या नहीं, आसानी से तो नहीं जाने देगा। yes, पहले पहले इसे लिख लीजिए, उसके बाद मैं समझाता हूं।
यस सर लिख लिया। वेरी गुड सक्षम। तो देखिए बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अभी हाइड्रोजन है, जस्ट सपोज इसको हटाया मैं और यहाँ पे लगा दिया CH3, तो CH3 जो होगा तीन हाइड्रोजन के साथ आएगा, तो जब ये बैक अटैक करने जाएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि नहीं, हिस्टेरिक हिंड्रेंस आएगा दिव्यम? यस आएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे फिर से इसको हटा के मतलब और CH3 डाल दिया, ये 2 डिग्री हो गया, एक और सी लगा दिया तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। तो जितना ज्यादा हम कार्बन बढ़ाएंगे, डिग्री बढ़ाएंगे, पहले 1 डिग्री था तो इजिली हो जाएगा, जब 2 डिग्री होगा तो और थोड़ा प्रॉब्लम होगा रिएक्शन करने में, एस्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा, 3 डिग्री आएगा तो और ज्यादा एस्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा। तो SN1 का रिएक्टिविटी जो होगा वो इस ऑर्डर में होगा कि नहीं? यस सर। दिव्यम? यस सर। समझ में नहीं आया, दोबारा पूछ सकते हैं, लेकिन बताइए समझ में आया क्या? आया। तो सबसे ज्यादा, स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कोई होगा तो वो CH3X, उसके बाद होगा आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, ठीक है? क्योंकि 3 डिग्री होते ही वहां पे क्या हो जाएगा, एस्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएंगे, ठीक है? इस वजह से तो रिएक्टिविटी इसका लिख सकते हैं आप लोग, क्या लिखेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ SN2, SN1 लिखा था क्या यहाँ पे मैं, SN2 का ही रिएक्टिविटी ऑफ SN2 ये होगा, ठीक है? तो अगर मैं बोलूं आपसे CH3Br है और यहाँ पे मैंने बोल दिया CH3CH2Br है, दिव्यम आप आंसर देंगे CH3CH, इसको पूरा ही बना देता हूँ, CH3CBr CH3H, और फिर अपने पास आ जाएगा एक और CH3CBr CH3, इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा दिव्यम? CH3Br। हाँ, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम एस्टेरिक हिंड्रेंस है, सबसे ज्यादा एस्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ है। SN2 के लिए ये हमेशा ध्यान में रखना है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और इससे भी ज्यादा आपका होगा जो CH3X होगा। क्लियर है? यस सर। तो ये होता है आपका SN2 रिएक्शन, इसे लिख लीजिए आप लोग, SN1 हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उससे पहले कुछ रिएक्शंस देता हूँ, वो करना आप लोगों को। एक्सक्यूज मी सर। यस। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है। जी बोलिए। सर नंबर ऑफ क्लासेस थोड़ी बढ़ सकती हैं, क्योंकि सर वो वीक में फिर 2 ही क्लासेस हो रही है, देन अगले वीक से फिर 1 वीक और द अदर फिर एग्जाम स्टार्ट होएंगे, एंड सो फिर एक बार 6 से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे तो वो क्लासेस नहीं कर पाऊंगा। आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ, एक बार निष्कर्ष सर से बात करिए। ओके सर। ठीक है, आप लोग रात में क्लास तो ले सकते हैं ना, लाइक 8:30 PM आसपास। सर मेरी एक्चुअली 9:20 से स्टार्ट हो जाती है, सो क्या समय फिजिक्स की क्लास जो है वो 9:20 स्टार्ट होती है, कि मैं फिजिक्स क्लास यहाँ से नहीं लेता, सो मेरी वो 7:45 कर लेंगे हम लोग। आपकी फिजिक्स की क्लास रोज होती है? यस सर, मंडे टू सैटरडे। अच्छा, तो कितने बजे शुरू होती है? 9:20 सर बेसिकली वो 9:15 से अराउंड 10:30 तक चलती है। ओके, तो हम लोग वही कर लेंगे 7:45। ठीक है दिव्यम। यस सर।
मंडे को? नहीं सर से आगे पहले पूछ लीजिएगा, वो मुझसे टाइम पूछेंगे तो ओके सर, मैं ये बता दूंगा। ओके सर, ओके ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। वेरी गुड, चलिए ये रिएक्शन करके दिखाइए जरा सेक्शन। ये मैंने सर पहले लेक्चर में मैंने कराया था ये वाला रिएक्शन, हेलो अरिंस में। हो जाएगा दिव्यम सर, CH3 के साथ CH2 अटैच हो जाएगा, CH3 का जो नहीं ऑर्थो और पैरा पे बनाता है ना, मैंने बताया था। यस सर, एक ऑर्थो पर प्लस एक पैरा पर, दो बनेंगे। हाँ ये CL हो गया। यस सर, एंड एक सिमेट्रिकल बनेगा CL और ये CH3। यस सर, और HCl बाहर निकल जाएगा, बस हो गया। नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, SN1 से शुरू करेंगे, ठीक है? ओके सर, ओके सर।